वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। हिमाचल में क्या है बदलाव की तैयारी? सीएम को किया गया दिल्ली तलब। विपक्ष का तंज, बचा लें अपनी कुर्सी। सीएम ने कहा विपक्ष भ्रमित है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंच गए। सीएम ठाकुर ने कहा कि वो दिल्ली एक निर्धारित बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए। सीएम के इस जवाब के बाद राजनीतिक गलियारों में उठ रहे भूचाल पर अटकलें लगी हैं। ये कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा। दरअसल सीएम 5 दिन के अंदर ही दोबारा दिल्ली आए हैं। एकदम से सीएम को शिमला से दिल्ली बुलाए जाने के इस घटनाक्रम ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। वहीं कांग्रेस नेताओं को बीजेपी और सीएम जयराम को घेरने का एक और मौका मिल गया। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम को हटाया जा रहा है। जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए पहुंचे दिल्ली। बता दें कि सीएम पिछले हफ्ते बुधवार को ही दिल्ली गए थे, जहां उनकी देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हुई। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हिमाचल आने का निमंत्रण देने और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद वो उज्जैन गए। रविवार को ही नई दिल्ली से शिमला पहुंचे कि उन्हें फिर से हाईकमान का बुलावा आया। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने की चर्चाएं तेज थी। ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम उपचुनाव की तैयारियों पर भी बातचीत करेंगे, ये बातें निकलकर सामने आई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कुर्सी बचा लो जयराम। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम के जाने पर कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया में पढ़ा कि 5 नहीं 6 मुख्यमंत्री बदलने हैं, इसलिए जयराम ठाकुर अपनी कुर्सी बचा लें। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों में भारी गुस्सा है। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में जिस तरह बीजेपी रैली नहीं कर सकती, उस तरह बागवानों के खिलाफ मंत्री की ओर से दिए गए बयान के बाद बीजेपी शिमला में रैली नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ये थप्पड़ वाली सरकार है, न जाने किसे कब थप्पड़ पड़ जाए। मुकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री चहेतों को बैकडोर से नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार ने हिमाचल प्रदेश बनाया और वीरभद्र सिंह ने सवारा, बीजेपी का इसमें कोई योगदान नहीं। कहा कि कोरोना में सरकार की बद इंतजामी से 3500 लोगों ने आत्महत्या की, अब बीजेपी हार के डर से उपचुनाव से भाग गई। पिछले काफी वक्त में बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री में बदलाव हुआ है। ऐसे ही गुजरात में नए सीएम को कमान सौंप दी गई। इसके बाद से जयराम ठाकुर को 2 बार हफ्ते के अंदर दिल्ली तलब करने पर अब विपक्ष इस पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र।